जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। बेसिकली राइट इशू जो इशू ओपन था वो समाप्त होने के बाद पहला अपडेट लेकर आया हूँ इस वीडियो में। इसमें हम लोग इंडियन इंफोटेक के तमाम चीज़ों को, तमाम पहलुओं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चर्चा होगी कंपनी का जो शेयर प्राइस लगता है नीचे जा रहा है, प्राइस में लगता है गिरावट देखने को मिले इसके बारे में। साथ में इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है इसका टारगेट क्या होगा, टारगेट नियर में जो इसका रेजिस्टेंस और प्लस सपोर्ट है उसके ऊपर भी चर्चा होगी, कहाँ पे जाने पर हमें सावधान। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि नए व्यक्ति को इसमें कहाँ पे एंट्री और एग्जिट लेना उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरुआत शुरू से ही करेंगे, जैसे नए व्यक्ति कुछ आते हैं तो उनको ये आइडिया लगे कि कंपनी क्या काम करती है और उसमें इन्हें कहाँ पे एंट्री लेना है, और साथ में पहले से जिनका इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में उन्हें क्या करना है उसके बारे में तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा ही। यदि सबसे पहले हम लोग ये समझे कि इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो कंपनी है काम क्या करती है, तो जो पहले से जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट उनको तो अच्छी तरीके से पता होगा कि बेसिकली ये NBFC कंपनी है और लोन प्रोवाइड करती है। अब इस यहाँ पर नाम में सॉफ्टवेयर लगा है उस पर नहीं जाना है, यहाँ पर आप स्पष्ट देखेंगे प्रोवाइड लोन्स, यानी कि एक NBFC कंपनी है जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है और इससे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे इस कंपनी की कमाई होती है। देखिए NBFC जो भी कंपनी आजकल है, जो फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, उसका ग्रो काफ़ी तेजी से हो रहा है। आप देख सकते हैं भारत जैसे जो मतलब जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रहा है उसमें फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, खासकर जो इस तरह की ग्रोइंग कंपनी है, इसके शेयर प्राइस में लंबी अवधि में और भी ज़्यादा तेजी आने के चांसेस रहेंगे क्योंकि NBFC का बोलबाला इन दिनों काफ़ी है। तो ये तो होगी काम की बात। अब यदि हम कंपनी के फंडामेंटल को समझे, कंपनी का जो फंडामेंटल है वो मजबूत है कि नहीं, सबसे पहले यदि मार्केट कैप देखें तकरीबन 300 करोड़ प्लस कंपनी का मार्केट कैप है, यानी कि पीने स्टॉक में भी ठीक ठाक लेवल की कंपनी है। स्टॉक का जो पी है थोड़ा सा महंगा दिखेगा, लेकिन खैर हम लोग चार्ट पर लेवल देखेंगे वहाँ पे कहाँ पे हमें इसमें एंट्री लेनी है। शेयर प्राइस इसके बुक वैल्यू से ज़्यादा बढ़िया बात है, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो ROC है यह भी प्लस में, यानी कि प्लस में होने का ये मतलब हो कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ रिटर्न निकाल कर दे ही देगी। तो अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और कंपनी के फंडामेंटल को समझा, दोनों काफ़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। अब चलिए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कंपनी के चार्ट क्या बोलते हैं, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, और यहीं पर टारगेट और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस ये रेंज हो जाएगा जिस 2.40 रुपये से लेकर 2.80 रुपये, इसी के बीच में आप देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस तकरीबन 2 मंथ से कह सकते हैं, फरवरी भी समाप्त होने जा रहा है और जनवरी से ही इसमें ये रेंज में फंसा हुआ है। अब देखिए होता क्या है, जो पहले से इस वीडियो मेरे चैनल के व्यूअर उनको पता होगा कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है तो जब इसे बाहर निकालते तो प्राइस 90% से प्लस 90% प्लस चांस होता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट उन्हें चुपचाप इसमें बने रहना है, बहुत जल्द इसमें तगड़ा ब्रेकआउट होने वाला है और ये ब्रेकआउट होगा सीधे ऊपर की तरफ प्राइस जाएगा, 3 से 5 रुपये तक इजिली आपको प्राइस जाते हुए दिखेगा। तो आप शॉर्ट टर्म में यहाँ तक ले जा सकते हैं। बाकी मान लीजिए यदि प्राइस ऊपर की तरफ ना जाकर प्राइस नीचे की तरफ निकलने लगता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो देखिए प्राइस 2.40 रुपये के आसपास तो है ही, मुझे नहीं लगता कि 2.40 रुपये को तोड़ के प्राइस इतनी जल्दी नीचे आएगा। मान लेते हैं शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, नीचे आता भी है तो इसके लिए ये जो लाइन है आप देख सकते हैं 1.80 रुपये का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। इसको आप सपोर्ट यहाँ पे और एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान लीजिए DSS, यहाँ तक इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। और जिस ऊपर के लिए मैंने लेवल बता दी, ऊपर यदि निकलता है तो ये आपको 3 से 5 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है। तो ये एक रेजिस्टेंस फिलहाल, तो ये सबसे जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 2.80 रुपये का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से इसने रेजिस्टेंस लिया और यहीं से प्राइस इसका बाउंस ऊपर से रजिस्ट करके नीचे आ रहा है, तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे में आपको मैंने सपोर्ट बता दिया और टारगेट भी मैंने बता दिया 3 से 5 रुपये तक के लेवल के लिए शॉर्ट टर्म आप इसमें जा सकते हैं। नए व्यक्ति को कहाँ पर एंट्री लेना है, जब तक कि प्राइस इस रेंज में फंसा हुआ तब तक आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है। प्राइस इस रेंज से बाहर निकले 2.80 रुपये से ऊपर निकलेगा तो अब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। अब आप कहेंगे थोड़ा ऊंचाई पर लेंगे तो आपको महंगा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन कंफर्मेशन के साथ आप उठाएंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस में नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान देंगे आपको नए व्यक्ति को यहाँ पे एंट्री लेना है। बाकी थोड़े से हम लोग फंडामेंटल को डिस्कस करें, जैसे कंपनी का बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट में आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में कंपनी के पास डेप्ट कितना उसको चर्चा करते हो। देखिए डेप्ट पिछले कई क्वार्टर से देखेंगे तो 30 लाख के आसपास बना हुआ है, 30 लाख कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। रिजर्व पैसा जो होता है कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो, वो कंपनी के पास देखिए लगातार धीरे धीरे कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो आपको बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये एक चांस ऐसा माना जाता है, ये मतलब साइन होता है ग्रोइंग कंपनी का, जब कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ रहा हो और कंपनी का जो डेप्ट है वो कम हो रहा हो, तो डेप्ट कम होना चाहिए और जो रिजर्व फ्री कैश फ्लो होता है वो बढ़ना चाहिए, और ये कंपनी में इस तरीके से हो रहा है। तो ये एक अच्छी साइन है कंपनी के ग्रोइंग होने का, यानी कि कंपनी ग्रो कर रही है और फ्यूचर में भी इसके आगे ग्रोइंग होने के चांस रहेंगे।
बाकी यदि हम लोग क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे कंपनी का जो सेल्स है दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिखा है, लेकिन उसके पहले जो रिजल्ट था जून क्वार्टर का उसके मुकाबले अभी भी कंपनी का जो देखेंगे सेल्स ज़्यादा है, और साथ में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो मेन बिजनेस से कमाई है उसमें भी थोड़ी बहुत डिक्लाइन होते हुए दिखी है। जाहिर सी बात है जब सेल्स में कमी आएगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कमी आएगी, लेकिन ओवरऑल लगातार पिछले कुछ क्वार्टर मुकाबले देखें तो अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है और जो सेल्स है वो बढ़िया स्थिति में बना हुआ। और जैसे मैंने बताया मेन चीज़ है कंपनी के पास पैसा आ रहा है कि नहीं, तो पैसा अभी भी आ रहा है, कंपनी अभी प्रॉफिट में है, कंपनी का फ्री कैश फ्लो बढ़ रहा है तो फंडामेंटल भी ग्रो कर रहा है, और साथ में कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसका तो भविष्य है ही। तो इंडियन इन्फोटेक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना है, आपको इसको छोड़ना नहीं है तो जो लेवल मैंने बताया वहाँ पर ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए हम उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।